अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम हेयर विद माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ बीएस सीएस। इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एंड टाइप्स ऑफ लेटर्स। पहले हम लेटर्स को समझेंगे, फिर हम समझेंगे बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं एंड देन टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? आर रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड कम्युनिकेशन सेंट इन एन एनवेलप बाय पोस्ट और मैसेंजर। कोई लिखित या टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ मैसेज, यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन लिखा है तो कोई लिखा, हाथ से लिखा हुआ यानी हैंड राइटिंग में हमने लिखा हो, या हमने कंप्यूटर से टाइप किया हो, या उसे प्रिंट किया हो, ऐसा कोई भी मैसेज जब किसी एनवेलप में रख के पोस्ट के थ्रू या किसी मैसेंजर के थ्रू कहीं भेजा जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटर। प्रिंटेड कम्युनिकेशन मतलब प्रिंटेड मैसेज सेंड इन एन एनवेलप, किसी भी लिफाफे में रख के पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू यानी डाकघर के थ्रू या किसी मैसेंजर के थ्रू भेजा जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटर्स। अब देखेंगे बिजनेस लेटर्स। द लेटर्स विच आर रिटन बाय द बिजनेसेस बाय द बिजनेस पीपल फॉर द बिजनेस मैटर्स आर नोन एज बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर वो लेटर होते हैं जो बिजनेस पीपल यानी जो बिजनेस के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं बिजनेस मैटर पर, उसे हम कहते हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हमेशा बिजनेस मैटर पर लिखे जाते हैं। ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं और हमेशा ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लिखने के कई पर्पस हो सकते हैं। हो सकता है हमें अपनी सेल को इम्प्रूव करना है, या कोई सेल हम कल लगाने वाले हैं तो उसके लिए हमको एक्नॉलेजमेंट देना है, तो बहुत से पर्पस हो जा सकते हैं। जैसे देयर आर मैनी डिफरेंट पर्पसेस फॉर राइटिंग बिजनेस लेटर्स लाइक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी। कोई हमें सामान मिल गया तो सप्लायर को हमें एक्नॉलेजमेंट देना है कि हाँ हमें ये रॉ मटेरियल मिल चुका है। अपॉलॉजी फॉर फॉल्ट, अगर हमसे कोई फॉल्ट हो गया है या कस्टमर ने हम के ऑर्डर में डिले हो गया है, कोई कस्टमर ने ऑर्डर किया था पर्टिकुलर डेट के लिए और उसमें डिले हो गया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे, अपॉलॉजी फॉर फॉल्ट। कंप्लेंट फॉर डिले, अगर हमसे कोई डिले हो गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, एट्सेट्रा। और भी इसके रीजंस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर के बहुत से टाइप्स होते हैं, मैंने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 7 to 8 लिख सकते हैं, लेकिन सारे मैंने इसलिए कवर किए हैं कि आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। आप 13 लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको 7 to 8 तो लर्न रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए आप ये 13 पूरे लर्न कर लीजिएगा ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको 8 to 9 लर्न रहें। फर्स्ट है हमारा एक्नॉलेजमेंट लेटर, सेकंड है हमारा अपॉलॉजी लेटर, थर्ड है हमारा एप्रिसिएशन लेटर, फोर्थ है हमारा सर्कुलर लेटर, फिफ्थ है हमारा कंप्लेंट लेटर, सिक्स्थ है हमारा कवर लेटर, सेवन्थ है हमारा फॉलो अप लेटर, एट्थ है हमारा इंक्वायरी लेटर, नाइन्थ है हमारा ऑर्डर लेटर, टेंथ है हमारा पेमेंट लेटर, एलेवेंथ है हमारा रिकमेंडेशन लेटर, ट्वेल्थ है हमारा रेजिग्नेशन लेटर एंड 13th है हमारा सेल्स लेटर। फर्स्ट देखते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट डजेंट मीन एनीथिंग मोर देन जस्ट अ कन्फर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब बस कन्फर्मेशन होता है, यानी कोई भी हमें प्रोडक्ट रिसीव हो गया या कोई भी हमें ऑर्डर रिसीव हो गया तो उसका हम एक्नॉलेजमेंट दे दें कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया किसी चीज़ के लिए, कोई सर्विस गुड्स के लिए, तो हम क्या करेंगे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर लिख देंगे कि हाँ आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है और हम जल्द से जल्द इसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बिजनेसेस सेंड देम टू लेट अदर्स नो दैट दे हैव रिसीव्ड अ प्रियर कम्युनिकेशन बट एक्शन में और मे नॉट हैव टेकन प्लेस। अपॉलॉजी लेटर, अपॉलॉजी का मतलब होता है माफ़ी, तो अपॉलॉजी लेटर मतलब ऐसा लेटर जिसमें माफ़ी मांगी गई हो। लेटर्स ऑफ अपॉलॉजी आर रिटन टू सिंपली से सॉरी। Letters of apology are written to simply say sorry for the fault which may have occurred in past. Apology letter तब लिखे जाते हैं अगर किसी customer ने order हमें किया था और हमें order fulfill करना है, मान लीजिए 12 March तक fulfill करना है, 12 March 2019 तक fulfill करना है, लेकिन 12 March बीत जाता है लेकिन हम order fulfill नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक apology letter लिखेंगे कि हमसे इस गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं कि हम आपका ऑर्डर फुलफ़िल इतनी जल्दी नहीं कर पाए, लेकिन हम फ्यूचर में इसको जल्द से जल्द फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, तो इसे हम अपॉलॉजी लेटर बोलते हैं।
एप्रिसिएशन लेटर। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी को किसी भी अच्छे काम के लिए एप्रिशिएट करना, मतलब उसकी तारीफ करना। दीज लेटर्स आर रिटन बाई समवन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल टू मोटिवेट और टू एक्सप्रेस ग्रेटफुलनेस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड थैंक यू लेटर्स और लेटर्स ऑफ थैंक्स। तो ये लेटर किस लिए लिखे जाते हैं कि हम जब हमारे किसी वर्कर ने अच्छा काम किया, अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया या प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, उनको एप्रिसिएशन लेटर लिखते हैं, यानी उनकी तारीफ करते हैं और थैंक यू करते हैं। तो और इससे उनका क्या होता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो इससे इस लेटर का एक पर्पज़ ये भी होता है कि उनको मोटिवेट करना, लोअर लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इसे कहते हैं एप्रिसिएशन लेटर। नेक्स्ट हमारा सर्कुलर लेटर। सर्कुलर जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, कुछ भी सर्कुलेट करना, सर्कुलेट का मतलब सबको बिखेरना कोई भी चीज़, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए हमारा जो फर्म है, मान लीजिए कोई बैंक है, तो बैंक का ब्रांच किसी पर्टिकुलर एरिया में है, लेकिन अब बैंक वहाँ से शिफ्ट करके अपना ब्रांच कहीं और ले जा रहा है, तो बैंक ऐसे केस में अपने कस्टमर्स को एक सर्कुलर लेटर लिखेगा। सर्कुलर लेटर के थ्रू वो क्या करेगा, अपने सारे कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारी ब्रांच यहाँ से अब शिफ्ट हो रही है। और इस लेटर के और भी पर्पज़ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी कोई गुड्स कंपनी है, जैसे अमेज़ॉन एग्जांपल के लिए लेते हैं, वहाँ पे अक्सर सेल लगती है, मोबाइल्स की और भी बहुत चीज़ों की सेल्स लगती हैं। तो सेल्स के टाइम जब ये ऑफलाइन, अमेज़ॉन तो ऑनलाइन है तो उनको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ऑफलाइन फर्म्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के साथ एक पर्चा आता है कि सेल लगी है, तो उन्हें हम कहते हैं सर्कुलर लेटर्स। तो वो एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशन के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर हम कब लिखते हैं, जब हमें किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी होती है, अगर हमें गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है या कोई प्रोडक्ट में फॉल्ट है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर। ये कौन लिखता है, कस्टमर लिखता है। जब कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कंप्लेंट लेटर लिखता है कि हम आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है या इसमें ये फॉल्ट निकला है, तो हम उसके लिए कंप्लेंट लेटर उस फर्म को, कंसर्न्ड फर्म को लिखते हैं। फिर आता है हमारा कवर लेटर। अ कवर लेटर कंटेन्स द जॉब एप्लीकेंट्स क्रीडेंशियल्स एंड इंटरेस्ट इन द पोजीशन। कवर लेटर में क्या होता है, जो भी जॉब एप्लीकेंट होता है, मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप एक कवर लेटर लिखेंगे जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या क्या आपके इंटरेस्ट हैं, मतलब किन किन पोजिशन पर आप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इट इन्फॉर्म द पोटेंशियल एम्प्लॉयर वॉट यू आर इनक्लोजिंग इन द ईमेल और लेटर एंड इज इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई यू आर कॉन्टैक्टिंग देम। लास्टली इट एक्सप्लेन्स वाई दे शुड कंसिडर हायरिंग यू फॉर द पोजिशन। और इसमें यह भी लिखा होता है कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं और आप में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या फीचर्स हैं आपके जिसके दम पर आप वो आपको उस पोस्ट के लिए हायर करें। फिर हमारा आता है फॉलो अप लेटर। फॉलो अप लेटर्स आर यूजुअली सेंट आफ्टर सम एंड इनिशियल कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड विद द राइटर। दिस कुड बी द थैंकिंग लेटर फॉर एन ऑर्डर रिक्वेस्टेड बाय अ कस्टमर। तो ये एक थैंकिंग लेटर की तरह होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपने कोई ऑर्डर किया किसी फर्म को और फिर आपका ऑर्डर टाइम पे फुलफ़िल हो गया और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिला जो आपने ऑर्डर किया था, तो ऐसे केस में आप फॉलो अप लेटर लिखेंगे उस फर्म को थैंक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर इज़ अ लेटर रिटन टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और एंड असर्टेन इट्स ऑथेंटिसिटी। इंक्वायरी लेटर से जैसे आपको पता ही लग रहा होगा कि हमें किस चीज़ की इंक्वायरी चाहिए, मान लीजिए हमें कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब वहाँ की हमें पूरी डिटेल चाहिए, क्या फ़ीस है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या उनका फ़ीस सबमिशन का क्या उनका प्रोसेस है, कैसे इंस्टॉलमेंट वो लेते हैं, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज से रिलेटेड चाहिए और कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इंक्वायरी लेटर लिखेंगे कि हमको इंक्वायरी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ की। ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर जिस नाम से ही पता लग रहा है, अगर हमें गुड्स ऑर्डर करने हैं किसी फर्म को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स के लिए हमको ऑर्डर देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर लेटर। अब बिजनेस कैन राइट टू अनदर बिजनेस रिक्वेस्टिंग फॉर एन ऑर्डर और प्लेसिंग रूटीन और मॉडिफाइड बाय।
और ये इसलिए एक फर्म भी लिख सकता है, मतलब कोई बिजनेस है तो वो भी ऑर्डर लेटर लिख सकता है। वो किसको लिखेगा? सप्लायर्स को लिखेगा। अगर सप्लायर से उसे गुड मंगवाना है, गुड्स मंगवाना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो वो रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर लेटर लिखेगा अपने सप्लायर्स को। और ये कस्टमर किसी बिजनेस के लिए भी लिख सकता है ऑर्डर लेटर, मतलब गुड्स ऑर्डर करने के लिए। पेमेंट लेटर, पेमेंट लेटर एक तरीके का रिमाइंडर होते हैं। रिमाइंडर का मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है या उसके ड्यू डेट आने वाली है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पेमेंट लेटर लिखते हैं उसको रिमाइंड कराने के लिए कि आपकी डेट नज़दीक आ रही है या आपकी डेट निकल चुकी है, जल्द से जल्द पेमेंट करिए आप। रिकमेंडेशन लेटर, आ रेफरेंस लेटर ऑल्सो कॉल्ड आ रिकमेंडेशन लेटर, इसको हम रेफरेंस लेटर भी कहते हैं, इज़ यूजुअली रिटन टू टेस्टिफाई टू अ पर्सन्स स्किल्स कैरेक्टर एक्सपीरियंस एंड और अचीवमेंट्स। When a candidate applies for a job, he or she will submit reference letter to support his or her application. Reference letter का मतलब ये होता है, जब हम किसी job के लिए apply करते हैं तो हमें अपनी credentials, अपनी skills, और अगर मान लीजिए किसी का reference हम लगा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं job के लिए apply कर रहे हैं किसी business में और वहाँ आपका कोई जानने वाला है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उनका रेफरेंस भी देंगे। तो आप रेफरेंस लेटर लिखना पड़ेगा आपको कि हाँ, हम इनके इनका रेफरेंस के थ्रू हम इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर जैसा नाम से पता लग रहा है, किसी जॉब के लिए रिज़ाइन कर रहे हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय जॉब को छोड़ता है तो वो इसके लिए रेजिग्नेशन लेटर लिखता है कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब को छोड़ रहा हूँ, इस टाइम पे मैं छोड़ दूंगा। एक एक डिटेल उसमें दी होती है क्यों छोड़ रहा हूँ, रीज़न भी लिखना पड़ता है, तो ये इसे हम कहते हैं रेजिग्नेशन लेटर। सेल्स लेटर, सेल्स लेटर क्यों लिखे जाते हैं, जब हमें अपनी सेल्स को प्रमोट करना होता है। अक्सर हम जैसे बिजनेस, कोई गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए क्लोथ्स का बिज़नेस कर रहे हैं, गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी सेल लगती है कि जो है कई बार डिस्काउंट पर वो अपना सामान बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उस केस में जो लेटर लिखे जाते हैं उसे कहते हैं सेल्स लेटर। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को पता लगेगा कि हम सेल लग रही है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। इसीलिए इसका मेन पर्पज़ होता है प्रॉफिट गेन करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।